मेटा सिटी नगर पालिका की साधारण बैठक में चले लात घुसे पार्षद से मारपीट। मेटा सिटी नागौर नगर पालिका की शुक्रवार को हुई साधारण बैठक में पार्षदों के बीच जमकर लात घुसे चले। यहां दोनों ही पक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पालिका अध्यक्ष को बैठक बीच में स्थगित करनी पड़ी। शुरुआत के समय विगत दो बैठकों की एजेंडा कॉपी नहीं दिए जाने को लेकर गर्मा गर्म बहस हो गई और इस दौरान विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। पक्ष विपक्ष के पार्षद जोर जोर से टेबल थपथपाते हुए बेंच पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वेल में पहुंच करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। बढ़ते वाद विवाद के बीच विपक्ष के पार्षद की ओर से वेल में कुर्सी फेंक दी गई, जिससे मामला बढ़ गया। कुर्सी फेंकने पर सत्ता पक्ष के एक पार्षद सहित लोगों ने विपक्षी पार्षद के साथ टेबल पर चढ़कर मारपीट की। मौजूद पार्षदों ने बीच बचाव करके सभी को छुड़वाया। मामला बढ़ा तो पालिका अध्यक्ष ने बैठक स्थगित करने की घोषणा कर दी। बैठक स्थगित होने के बाद सत्ता पक्ष के जिस पार्षद ने मारपीट की उससे समझाइश की। करीब दो घंटे तक नगर पालिका में चले विवाद के बाद मामला मेटा थाना पुलिस के पास पहुंच गया। नवभारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ सर, कार्मिकों की हड़ताल चल रही थी, अभी हड़ताल टूट गई सर, क्या क्या समस्या थी, क्या निदान निकला? साधारण सभा की बैठक थी, उसमें पक्ष विपक्ष के पास सदों को लेकर कुछ मुद्दे पर आपस में तकरार हुए, उस वजह से वाद विवाद की स्थिति बन गई। तो उस वाद विवाद की स्थिति की वजह से पहले तो बैठक स्थगित की गई और उस वाद विवाद की स्थिति के दौरान कुछ बाहरी लोग आने से कुछ कर्मचारियों में और उनमें भी कंफ्यूजन की स्थिति हो गई, जिससे आपस में विवाद बढ़ गया। तो उस विवाद को सबको आपस में समझाइश करके इस विवाद को सारा मिटा लिया है और बैठक में भी सदस्य गणों ने भी सब आपस में विवाद मिटा लिया है। चाहेंगे कि अगली बैठक में सब शांति से बैठक हो और इस तरह का विवाद आगे से ना हो। इसलिए